बिहार के रोहतास के रहने वाले एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो ज्योति प्रकाश निराला के घर में इस वक्त मातम है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा एनकाउंटर में वो कल शहीद हो गए। 31 साल के ज्योति अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार को यकीन नहीं हो रहा है कि घर का इकलौता चिराग बुझ गया। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। देश पर अपनी जान न्यौछावर करने वालों में एक और नाम जुड़ गया, एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो ज्योति प्रकाश निराला का। आतंकवादियों से लड़ते हुए देश का ये लाल शहीद हो गया। दरअसल जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा के हाजिन इलाके में आतंकवादियों के छुपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेरेबंदी कर उनकी तलाश शुरू कर दी। इसमें गरुड़ कमांडो ज्योति प्रकाश भी शामिल थे। आतंकियों ने बच निकलने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 6 आतंकी तो मार गिराए गए, लेकिन इसमें ज्योति प्रकाश शहीद हो गए। 31 साल के ज्योति प्रकाश निराला बिहार के रोहतास जिले के विक्रमगंज स्थित काराकाट के रहने वाले थे। 2005 में उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन किया था। 2010 में उनकी शादी हुई थी। ज्योति अपने पीछे माता पिता, पत्नी, 4 साल की बेटी और 4 बहनों को छोड़ गए हैं। 3 बहनों की अभी शादी नहीं हुई है। हम लोग खुशी मनाए कि शहीद हुए हैं मेरे भैया, आप खुशी मनाते हैं सरकारी कि वोट नहीं है, केवल मॉडल बनाए हैं हम लोग को, आप केवल मॉडल बनाए हैं हम लोग को और कुछ नहीं, और कुछ नहीं हम लोग को। यहाँ पर 2-4 आदमी से गांव का गांव घर का आदमी है बस, और कोई नहीं है। मेरे भैया आएंगे, हम पिताजी देख के कैसे जिंदा रही। जवान बेटे के खोने के गम से पिता सदमे में है। नाराजगी इतनी ज्यादा है कि कहते हैं देश को पाकिस्तान को ही क्यों नहीं सौंप दिया जाता। हम तो चाहते हैं सिया तो देश को गुलाम कर दे, सुपुर्द कर दे पाकिस्तान को। बच्चों को इतना कटवाने से क्या फायदा है। जब से ज्योति प्रकाश के शहीद होने की खबर मिली है, पूरा गांव सदमे में है। ज्योति प्रकाश ने देश के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन उनके घर अब तक कोई सरकार या शासन का कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा है। अभी तक सरकारी प्रतिनिधि यहाँ कोई पूछने के लिए अभी तक नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस गांव में क्या हुआ है, घटना क्या हुआ है क्या नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। शहीद जवान जेपी निराला के पार्थिव शरीर पहले चंडीगढ़ ले जाया जाएगा, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में ही होगा। ये है ABP News, आपको रखे आगे।